जहाँ सावन में बसते हैं शिव, हर हर महादेव शिव शंभु, हर टीवी पर पहली बार देखिए, हर हर महादेव शिव शंभु। 30 मिनट के दर्शन में धुलेंगे 3 जन्मों के पार। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, जिस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, दाता जगत का पिता, जिसके दर्शन से हर मुराद होती है पूरी। यूं तो कण-कण में शिव बसते हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां पूरे सावन साक्षात विराजमान होते हैं महादेव। भोला शंकर दया। IBN 7 आज आपको ले चलेगा शिव के उस धाम में, जहां दर्शन मात्र से इंसान के सारे भय दूर हो जाते हैं, जिसके एक दर्शन से जन जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, जिसकी एक झलक से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सावन के पावन महीने में सोमवार के दिन इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो चलिए महादेव के उस धाम में, जहां भगवान शंकर ने खुद दिया था सावन में विराजमान रहने का वरदान। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे, और सावन के तीसरे सोमवार पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम आपको ऐसे धाम ले चलेंगे जहां दर्शन से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और मिट जाते हैं सारे गम। भगवान की हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। भगवान शिव की आराधना यानी मौत के भय से मुक्ति, और ऐसा ही एक मंदिर हरिद्वार में है जहां के दर्शन मात्र से ही ये भय दूर हो जाता है। और टीवी पर आप भी कीजिए अब भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन। तो आइए अब चलते हैं महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन के लिए। महादेव का एक स्वरूप महामृत्युंजय, और इसी रूप में महादेव साक्षात यहाँ विराजमान रहते हैं। कहते हैं सावन के पावन महीने में यहाँ महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, और एक बार दर्शन कर लेने से इंसान के सारे भय दूर हो जाते हैं। ये महादेव का वो रूप है जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हैं, यानी यहाँ आकर इंसान मृत्यु के सबसे बड़े भय से दूर हो जाता है। मृत्युंजय एक ऐसा देवता है जो मृत्यु का देवता है या अमरता का देवता है। उसके दर्शन से, पूजन, स्मरण, अर्चन, वंदन, अभिषेक से व्यक्ति को ऐसा बोध होता है कि भले ही मेरी देह चली जाए, भले ही मेरा शरीर जो कि वो नश्वर है वह मिट्टी में मिल जाए अथवा वो अग्नि में भस्म हो जाए, पर मैं सनातन सत्ता हूँ। महादेव का ये महामृत्युंजय मंदिर मौजूद है हरिद्वार के हरिहर आश्रम कनखल में। हम आपको महादेव के इस स्वरूप के बारे में बताएं, उससे पहले शिव के स्वरूप की कहानी दिखाते हैं। पद्म पुराण की कथा के मुताबिक एक बार ऋषि मार्कंडेय ने अपने पिता को चिंता में देखा,
वजह पूछने पर पिता ने बताया कि तुम्हारी आयु सिर्फ 16 बरस की है और तुम 16वें बरस में प्रवेश कर चुके हो। जिसके बाद ऋषि मार्कंडेय दक्षिणी समुद्र के तट पर मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और महामृत्युंजय स्तोत्र के साथ महादेव की आराधना शुरू कर दी। लेकिन तभी यमदूत 16 वर्ष के ऋषि मार्कंडेय के सामने प्रकट हुए और उन्हें यमलोक ले जाने के लिए बढ़े। तभी ऋषि मार्कंडेय ने यमदूत से महामृत्युंजय के पाठ का अनुरोध किया, मगर यमदूत ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया। यमदूत ने पास खींचना शुरू ही किया था कि अचानक महादेव एक नए रूप में प्रकट हुए और भगवान ने यमदूत पर तेज प्रहार किया। महादेव का ये रूप देखकर यमदूत कांपते हुए खाली हाथ लौट गए। उसी मार्कंडेश्वर शिवलिंग के स्वरूप में महादेव साक्षात इस आश्रम में विराजमान है और कहा जाता है कि शिवलिंग के दर्शन से इंसान मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। महादेव का ये महामृत्युंजय स्वरूप बेहद भव्य और विशाल है, जिसमें महादेव 8 भुजाओं के साथ स्वयं अपने ऊपर अमृत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। दोनों हाथ में उन्होंने अमृत कलश लेके गोद में बैठे हुए हैं और चार हाथ से आपने गंगा के द्वारा स्नान कर रहे हैं और एक ज्ञान मुद्रा में, एक ध्यान मुद्रा में है। और महामृत्युंजय का जो सावन में शिव जी का, कोई भी शिव जी के महामृत्युंजय अथवा नागरसिंह हो, सावन में विशेष महत्व है इनका, क्योंकि सावन में भगवान अपने नेत्र खोलते हैं। वैसे तो भोले शंकर हर वक्त यहाँ समाधि के रूप में विराजमान होते हैं, लेकिन सावन के महीनों में भक्तों के लिए भगवान अपना तीसरा नेत्र भी खोल देते हैं। भगवान मृत्युंजय की उपासना, उनके दर्शन अथवा उनके अर्चन पूजन अभिषेक का फल यही है कि व्यक्ति को एक ये बोध होता है कि वह एक शाश्वत आत्मा है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक जिस इंसान को मृत्यु का भय है, वो इंसान जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग अगर सावन के महीने में इस शिवलिंग के दर्शन करें तो भगवान शंकर ने न केवल उनके भय को दूर करते हैं बल्कि उन्हें लंबी आयु भी मिलती है। प्रतीक त्रिवेदी, IBN 7, हरिद्वार। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शान है तो भक्तों के लिए वरदान है, लेकिन इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अगर एक ही जगह पुण्य मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलेंगे जहां ये संभव है। शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से तमाम पुण्य प्राप्त होता है। लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। आखिर क्या है इसका महत्व? हरिहर आश्रम में स्थित है महादेव को प्रसन्न करने वाला रुद्राक्ष का एक ऐतिहासिक विशाल पेड़। सावन के महीने में इस पेड़ की परिक्रमा करने वालों की लंबी कतारें लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि इस वृक्ष के चारों ओर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग सहित खुद विराजमान है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने वाले इस रुद्राक्ष वृक्ष को बरसों पहले जूना अखाड़े से संत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर आए थे। हरिहर आश्रम में मौजूद इस वृक्ष की अपनी मान्यता है। कहते हैं इस वृक्ष की परिक्रमा करने से इंसान की सभी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये रुद्राक्ष वृक्ष है, इसकी लोग परिक्रमा लगाते हैं। इससे रुद्राक्ष वृक्ष की लोग परिक्रमा लगाते हैं और जिस मनोकामना से वो परिक्रमा लगाते हैं वो मनोकामना उनकी पूर्ण। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रुद्राक्ष महादेव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शंकर बेहद शोक में थे और इसी दुख में उनकी आंखों से आंसू गिरे, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान शंकर के गणों की पूजा होती है, जैसे नंदी गण की होती है और शेषनाग की होती है, ऐसे ही रुद्राक्ष की भी लोग पूजा करते हैं। और ये आस्था का विषय है। आस्था, जैसे आस्था करेंगे, विश्वास करेंगे, वैसे ही फल मिलता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान रुद्राक्ष धारण करता है तो भगवान शंकर खुद उसकी रक्षा करते हैं। उस इंसान को भूत पिशाच का भय नहीं होता है और वो इंसान खुद एक शिव रूप हो जाता है। प्रतीक त्रिवेदी, IBN 7, हरिद्वार।